तो बहुत सारे लोग इस वीडियो पे इसलिए आए हैं क्योंकि फ्री फायर मैक्स बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्दी कब आने वाला है? फ्री फायर मैक्स का डेट, रजिस्ट्रेशन, कौन से रिवॉर्ड होंगे, क्या होंगे, गेम प्ले कैसा होगा, क्या चीज होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि फ्री फायर मैक्स को हम लोग कैसे प्रोजेक्शन कर सकते हैं, क्या उसके लिए हमारा डबल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या यहाँ पे हमारे नॉर्मल डिवाइस में वो चीज रन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, आखिर क्या फायदा होगा इन सब चीज से, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने सब्सक्राइबर को इस चीज को पहले ही बताया था कि फ्री फायर मैक्स बहुत जल्दी आने वाला है, और इस चीज को मैंने अपने सब्सक्राइबर को बताया था तो वहां पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो आज सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि फ्री फायर मैक्स है क्या, कितना डिवाइस, कितने रैम, क्या डबल आईडी बनाना पड़ेगा, क्या डबल पैसे लगाने पड़ेंगे, क्या डबल, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये सब चीज बहुत सारे लोग के डाउट थे। तो सबसे पहला डाउट ये है कि क्या उसके लिए डबल अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो नहीं गाइस, उसके लिए डबल अकाउंट आपको नहीं बनाना पड़ेगा। हालांकि ड्यूल ऐप हो सकता है, कि ड्यूल ऐप एकदम फिक्स है कि ड्यूल ऐप होगा, मतलब डबल ऐप ये फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स अलग अलग होगा, लेकिन आप दोनों पे सेम अकाउंट से रन कर सकते हो, जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। एंड दूसरा चीज, उसमें गेम प्ले जो होगा स्मूथ होगा, थोड़ा अच्छा होगा, एंड ग्राफिक्स काफी अच्छे होंगे, कुछ गेम प्ले के अपने जो तरीके होते हैं वो थोड़ा अच्छे होंगे, रियलिटी जैसे कि आप गोली चलाते हो वो आपको अच्छे से दिखेगा, कोई मर रहा है तो अच्छे से दिखेगा, रन करेगा अच्छे से दौड़ दिख रहा है, सब कुछ एकदम जैसे टूर्नामेंट लेवल का होता है ना, कि ऐसे कटाना लेके दौड़ता है, कुछ भी चीज़ होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे ये सवाल है कि वो क्या प्ले स्टेशन कब से स्टार्ट होगा? प्ले स्टेशन ना 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला, आपको मैं बता दूँ, आज तारीख हो गया टोटल 24, तो 24 तारीख हो गया, तो और 5 दिन बाद 29 अगस्त को प्ले स्टेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग प्ले स्टेशन कर पाएंगे गेम के लिए, और वहाँ पे 29 तारीख को प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टेशन, ठीक है, 29 तारीख को। अब वहाँ पे आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। उसके लिए आपको ये डाउट क्लियर कर दिया, क्या डेवलप होगी, उसके लिए आपको सेम अकाउंट से आप दोनों पे रन कर सकते हो, मतलब मान लो मेरा जो अकाउंट है वो मैं फ्री फायर मैक्स पे चालू कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ सवाल और निकल के आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे गेम तो फ्री फायर भी बहुत ज्यादा एमबी का होता है, कोई नॉर्मल नहीं होता, जो लोग सोचते हैं पबजी वाले की या फिर कोई भी गेम वाले कि फ्री फायर जो है ये कम एमबी का ऐप है, भाई कम एमबी का ऐप है, लेकिन अंदर जाके ना इसको बहुत डाउनलोड करना पड़ता है, करीबन ना 3 GB करीब पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये गेम जो फ्री फायर मैक्स होगा इसे भी करीबन आप अलग से डाउनलोड करोगे, और ये भी ऐप थोड़ा सा नॉर्मल फोन के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा बात कह लो तो नॉर्मल फोन आपको पता है कि पहले ना फ्री फायर 1 GB में भी चलता था, 1.5 GB में भी चलता था, अच्छा खासा चलता था, लेकिन अगेन क्या हुआ कि जैसे जैसे अपडेट्स आते गए गेम चेंज होता हुआ, पहले जैसा नहीं रहा ये गेम, तो थोड़ा हाई बनता गया। अभी 1.5 GB के फोन में आप, और कोई भी फोन फ्री फायर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हम यूट्यूबर्स का, तो मतलब एक यूट्यूबर होता है ना कि जैसे कि किसी फोन को एडिटिंग, ज़्यादातर मैक्सिमम यूट्यूबर्स फोन के यूट्यूबर्स है, मतलब जिनके पास फोन है फोन से ही सारा वीडियोस अपलोड करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो ऐसा सीन होता है कि फ्री फायर को रन करते करते फ्री फायर खेलते हैं, वो एडिटिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जितने सारी चीज़ करते हैं ना, तो उनको क्या होता है कि फोन 8 महीने में ना ज़्यादा खेलते खेलते या फिर नॉर्मल प्लेयर का भी फोन ना 8 महीने में एक स्लो हो जाता है, कोई भी फोन होता है कितने भी महंगा फोन क्यों ना हो 8 महीने में वो फोन स्लो हो ही जाएगा, उसके बाद कह लो तो भाई उसके बाद लैग करने लगेगा, ये करने लगेगा। तो गेम ना बहुत ये हाईएस्ट डिवाइस पर आप खेलते हो तो भी यार ऐसा ही सीन होता है। तो फ्री फायर मैक्स जो होने वाला है वो इससे तो कितना भी होगा तो ज़्यादा ही होगा ना, मतलब ये नॉर्मल तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड है जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे फ्री फायर मैक्स कुछ ऐसा सीन, यहाँ पे मैक्स ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे, मैक्स ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, लिटरली मज़ा आ जाएगा फुल्ली गेम पे। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी, मैक्स एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, बेटर साउंड देखने को मिलेगा, मतलब जो भी इंप्रूवमेंट है वो किया गया है, न्यू लेवल बैटल रॉयल आपको देखने का, नया लेवल देखने को मिलेगा गेम में, आपको ऐसा समझ, नया लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल चीजें। एंड यहां पे जो भी चीजें यहां पे आपको दिखाई दे रही है रियलिटी, गोली चलाओ, ये होगा वो होगा, ये सब चीज ना आपको एकदम लगेगा कि हाँ एकदम रियल जा रहा है, ये कुछ सही लग रहा है, ऐसा कुछ सीन होने वाला है, छेद हो जाएगा दीवार पे मारोगे तो। एंड कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगी, एंड लिटरली मजा आ जाएगा आपको फ्री फायर मैक्स खेल के, और आप शायद पुराने फ्री फायर को शायद ना खेलना पाओ अगर आपके पास अगर 8 GB रैम वाला फोन है, मैक्स एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ भाई एकदम एनीथिंग आपको मजेदार होने वाला है। कुछ और चीजें और मतलब
ये क्रैशलैंड है और यहाँ पे आप लाइक माइनक्राफ्ट जैसा कर सकते हो और फ्री फायर मैक्स कुछ इसी चीज़ के ऊपर जो बेस्ट होने वाला है। तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, जो थोड़ा बहुत हाईएस्ट डिवाइस पे चाहिए होंगे इसके लिए। हालांकि एक ही अकाउंट बन जाएगा, प्रेजेंटेशन 29 से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अब क्या जानना चाहता हूँ मैं, तो मेरे को लगता है सब कुछ मैंने बोल दिया है। और गाइज अगर आप लोग इसके सिवाय डायमंड फ्री फायर के लेने चाहते हो तो गाइस आप लोग बुया पे आ सकते हो। बुया पे यूनिक गेम प्ले सर्च करके आप लोग यूनिक गेम प्ले, जी गाइस यूनिक गेम प्ले ये सर्च करके बुया पे आप लोग और डायमंड जीत सकते हो लाइव स्ट्रीम देख के। मॉर्निंग में हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप आके जल्दी से पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। और फ्री फायर मैक्स पे रजिस्ट्रेशन करो ब्रो, क्या कर रहे हो मेरे भाई। 29 तारीख से होगा, आपको बता दिया जाएगा। हम लोग फिर और पीसी का एक दो दिन में वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो पीसी वीडियो एक दो दिन में मैं ला दूंगा, कैसा पीसी होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसा खरीदा है मैंने, क्या करना पड़ा, कितना पैसा लगा, सब कुछ बता देंगे। आप लोग जाना चाहते हो इस वीडियो पे कमेंट करो ना कुछ, वीडियो पे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आजकल। जितने कमेंट करने उतने कमेंट करो, जेन्युइन कमेंट करो, मजा आता है कमेंट देखने में भी। और फिर अब सिर्फ वही सब करते हो तो कमेंट भी देखने का मन नहीं करता, कमेंट करो गाइस जितने सारे। और बाकी अगर फ्री फायर के डायमंड लेना चाहते हो तो यहाँ पे जा सकते हो विंजो पे। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे 70 प्लस गेम देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। 2 रुपए लगाओ, 5000 कमाओ, 2000 कमाओ, ऐसे करके प्राइस पूल होते हैं यहाँ पे, ऐसा चीज तो होता है यहाँ पे। और इसके साथ साथ यहाँ पे 70 प्लस गेम खेलो भाई, कोई भी गेम तो आ रहा है ना मेरे को तो सब कुछ इसके अंदर से ज्यादातर गेम आ रहा है। फ्री फायर के टूर्नामेंट्स भी है तो ये तो मैं नहीं खेलता यार। यहाँ पे आपको 70 प्लस गेम है ये खेलो, यहाँ पे ही आओ, 2 रुपए 4 रुपए जीत गए भाई, डिस्काउंट ऐसे ही मिल गया। यहाँ पे डायमंड भी मिल जाएगा डिस्काउंट पे, टॉपअप भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, डीजे आलोक मिल जाएगा, डीजे आलोक जो डाउनलोड करेगा डीजे आलोक मिल जाएगा। तो जिसे डाउनलोड करना है लिंक डिस्क्रिप्शन पे गाइस जाके डाउनलोड करो, डीजे आलोक फ्री में ले लो, क्रोनो भी यहाँ पे मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेकआउट मार सकते हो और डाउनलोड करने के साथ साथ आपको 50 रुपीज या फिर 100 डायमंड बोनस मिलेंगे। तो गाइस जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है।